माफ़ी मांगे, माफ़ी दे दें, क्योंकि मेरी अम्मी का कहना है वो इंसान मुकम्मल नहीं है जिसे माफ़ करना नहीं आता और जिसे माफ़ी मांगना नहीं आता, और जिसे ये दोनों काम आते हैं समझिए वो भी मुकम्मल है और उसका ईमान भी मुकम्मल है। सहरी का टाइम हो गया है और ये नाइट व्यू है हमारी गली का, पर कोई नहीं दिख रहा क्योंकि घरों की लाइटें चल गई हैं ऑफ कोर्स, बट कोई दिख नहीं रहा बाहर क्योंकि लॉकडाउन है तो लोग घर में ही हैं। नमाज़ के टाइम थोड़े बहुत लोग बाहर आएंगे जो नमाज़ पढ़ सकेंगे, बाकी तो सब सन्नाटा ही है इधर भी। और जी इधर नीचे से दिखाना पड़ेगा, इधर भी सब जगह सन्नाटा है, कुछ नहीं, कहीं कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड फाइनली मैं दोबारा से आ गई हूँ अपनी एक और वीडियो के साथ। तो जी सहरी का वक्त हो चुका है और जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी शेयर किया है मैं किस तरह से सहरी की तैयारी करती हूँ, बट आज मैं ऐसी कोई ख़ास तैयारी नहीं करने वाली हूँ। उसकी वजह यह है कि आज रोज़े रखने वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं। अम्मी का तो सभी को पता है कि अम्मी की तबीयत ख़राब है, वो रोज़े नहीं रख पा रही हैं, और आज पापा भी रोज़ा नहीं रख रहे हैं क्योंकि उनकी भी तबीयत थोड़ी सी नाशाद है। तो और भाई घर पे है नहीं, बचा कौन? मैं, आशी और गुलशन। तो हम तीनों रोज़ा रखेंगे, तो हमने सोचा है जो भी बना हुआ है कल रात का है वो हम बस खाएंगे, हम कुछ ज़्यादा नहीं बनाने वाले क्योंकि सहरी में वैसे भी कुछ हैवी खा लो तो सारे दिन यू नो एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, और मुझे अभी भी नींद आ रही है। पर मैंने ना आज कपड़े भी नहीं चेंज करे उठने के बाद क्योंकि सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है सिर में, और बस मैंने सोचा कि मैं पहले सहरी करूँगी उसके बाद चेंज करके फिर तहज्जुद पढ़ूँगी एंड देन जब तक अजान नहीं होती तब तक कुरान पढ़ूँगी एंड फिर नमाज़ पढ़ लूँगी, और हाँ एक टेबलेट भी खा लूँगी ताकि मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अभी हमारे पास जो कुछ सहरी में है वो खाएंगे एंड मैगी बना रहे हैं हम, अपनी प्लेन वाली सिंपल वाली मैगी। और फिर चलिए फटाफट से मैं मैगी बना लेती हूँ एंड आफ्टर दैट मैं आपके साथ अपनी सहरी शेयर करूँगी कि क्या क्या खाने वाले हैं एंड सहरी करेंगे। बस यही है हमारी सहरी जिसमें मैंने ये तोरी की सब्जी है, ये हमने ये तोरी की सब्जी है, और ये नूडल बनाए हैं मैगी नूडल, उधर आम का अचार है घर का डला हुआ, और ये ककड़ी और आड़ू है। आड़ू ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है, बस मैं ही खाऊंगी, बाकी रोटियां हैं। तो यही आज की हमारी सहरी होगी जो हम लोग करने वाले हैं। क्या खा रही है आशी? आशी नूडल खा रही है, और इसके हाथ में थोड़ा दर्द था तो हमने इसे गरम पट्टी बांधती है ऑइंटमेंट लगा के, और उधर गुलशन भी नूडल खा रही है। ये हमेशा होता है गुलशन के साथ कुछ होता है और मैं अनफॉर्चुनेटली उसे शूट कर लेती हूँ। ओके एंड मैं भी पहले नूडल ही ट्राई करूँगी, जब नूडल ख़त्म हो जाएंगे ना देन फिर मैं रोटी खाऊँगी। गिर गए थे इनके नूडल। मैगी इज ऑलवेज वर्क, आप किसी भी टाइम में खाओ अमेजिंग लगती है मुझे तो। और इसमें आज कुछ है भी नहीं, नो मटर नो आलू नथिंग एल्स, बिल्कुल प्लेन मैगी है। और फाइनली हमारी सहरी हो चुकी है, मैंने आपसे शेयर कर दिया था कि हमने सहरी में क्या क्या खाया। वैसे कभी कभी ना हेल्दी खाना भी बहुत ज़रूरी होता है, लाइट वेटेड और हेल्दी खाना चाहिए, कुछ भी हेल्दी नहीं खाया जा रहा है, कुछ भी नहीं। रोज़ तो पकौड़ियाँ खाई जा रही हैं, मुझे तो लग रहा है एटलीस्ट मैंने अपना 1-1.5 किलो वज़न भी बढ़ा लिया होगा, जो भी मेहनत करी थी ना घटाने में सब रिकवर हो गई है शायद, चेक करूँगी कल। और अभी क्या करते हैं, अभी मैं ये बर्तन धो देती हूँ, बर्तन धोने के बाद मैं चेंज करूँगी, चेंज करने के बाद तहज्जुद पढ़ूँगी, देन अजान हो गई तो नमाज़ पढ़ लूँगी, अदरवाइज़ पहले कुरान पढ़ूँगी एंड देन फिर
नमाज़ पढ़ूंगी और ऐलान भी हो रहा है, आई थिंक 20 मिनट रह गए, तो 20 मिनट में सब कुछ हो जाएगा। एंड बर्तन पहले धो देती हूँ, किचन साफ़ करना चाहिए क्योंकि सुबह को 9-10 बजे उठा जाता है, तब तक बर्तन सने रहते हैं, गंदे लगते हैं, जब अभी खाया है तो अभी क्लीन कर। तो फिर जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बर्तन क्लीन कर देती हूँ, तो मैं सारे बर्तन लेकर आ गई और थोड़े से ही बर्तन थे, कुछ ज़्यादा बर्तन नहीं थे, 2-4 प्लेट्स वगैरह आपने तो देखी थी जो खाना खाया था। हम शहरी में ही बर्तन क्लीन कर देते हैं, किचन क्लीन कर देते हैं, क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन है, कोई कहीं नहीं जा रहा, तो आराम से 9-10 बजे उठते हैं, तो एटलीस्ट किचन सुबह सुबह क्लीन मिलता है तो अच्छा लगता है। नॉर्मली भी मैं रेगुलर डेज़ में रात को किचन क्लीन कर कर ही सोती हूँ। और ये मैंने हाथ में ग्लव्स पहना हुआ है क्योंकि ये बहुत अच्छे रहते हैं, सर्व वगैरह से जो भी आपके हाथों में रफनेस आती है तो डायरेक्ट सर्व से आपके हाथों का कांटेक्ट नहीं होता है इसके थ्रू, तो रफनेस वगैरह नहीं रहती। ये एक पेयर आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा एक ग्लव्स फट गया और वो मुझे मिला नहीं, मेडिकल से मंगवाया था, तो फ़िलहाल मैं एक से ही काम चला रही हूँ। एटलीस्ट कम से कम जिससे सर्फ साबुन लगाते हैं उससे तो बच ही सकता है ना हाथ। और बर्तन धो के रखने चाहिए रात को, क्योंकि आप कितना भी किचन क्लीन करें थोड़े बहुत कीड़े कॉकरोचेस चींटी आ ही जाती है, और फिर वो गंदे बर्तनों में घूमती है तो अच्छा नहीं है, इन्फेक्शन का भी डर रहता है। और अम्मी भी कहती हैं कि रात को बर्तन धोना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गंदे बर्तन छोड़ दो तो बर्तन आपको कोसते हैं। बचपन से मैं यही सुनती आ रही हूँ, मे भी शायद ऐसा होता भी होगा, क्योंकि देखिए जब आपको खाने के लिए उन बर्तनों को तभी यूज़ करना है तो फिर उन्हें क्लीन करने में क्या प्रॉब्लम है। और थोड़े थोड़े बर्तन अगर आप बार बार क्लीन करते रहते हैं तो इससे आप ही का टाइम सेव होता है, एनर्जी सेव होती है, और किचन क्लीन बहुत अच्छा लगता है। कोई अचानक आ जाए तो आपको एम्बैरेसमेंट नहीं होती ऑफ कोर्स। और बहुत जल्दी मेरे बर्तन वगैरह धुल गए थे, तो फाइनली मैंने सब बर्तनों को अपनी अपनी जगह पर पहुँचाया, एंड देन मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई थी। चेंज करने के बाद मैंने चेंज किया एंड देन मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी, और नमाज़ पढ़ के मैंने थोड़ी देर तिलावत कुरान किया एंड सो गई। और चलिए फिर कल की रूटीन शेयर करती हूँ कि कल इफ्तार में क्या बनाते हैं। तो गाइस मेरा सारा काम हो गया है, बर्तन भी धुल गए, किचन भी साफ़ हो गया है, सहरी भी खा ली है हमने। अभी क्या है कि हम चाय वाय नहीं पीते हैं सहरी में, जब पापा करते हैं सहरी तब तो पी भी लेते हैं, अदरवाइज़ हम दूध ही पीते हैं। इसे पीने से ना दिन भर खुश्की नहीं आती है और हेल्दी भी रहता है, एनर्जी का सोर्स भी बना रहता है। तो आप भी प्लीज़ सहरी में कुछ हेल्दी लीजिए, और हो सके तो इस तरह से दूध ले लीजिए। ये प्लेन दूध है, इसमें कुछ भी शुगर वगैरह ऐड नहीं किया है मैंने, बिकॉज शुगर इज़ वेरी अनहेल्दी फॉर हेल्थ। तो मैं शुगर वगैरह ही लेती, दूध में मुझे अच्छा भी नहीं लगता। रूह अफ़ज़ा ले लेती हूँ, बट रूह अफ़ज़ा अभी नहीं लूँगी, अभी प्लेन दूध लूँगी मैं और आशी लेंगे। गुलशन ने मना कर दिया, उसे दूध भी नहीं पीना। तो जी आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं कल इफ्तारी के व्लॉग में इसी के साथ, तो कल मिलते हैं। तो गाइस सारे काम हो चुके हैं, सहरी हो गई है और जहर हो गई है, एंड नाउ फाइनली अब इफ्तार का टाइम होने वाला है। तो अब मैं आपके साथ अपना इफ्तार का एक रूटीन शेयर कर देती हूँ। वैसे तो मैं अपनी पहली वीडियो में आपको बता चुकी थी कि देखिए भाई ऐसा कुछ नहीं होता, जो रोज़ वही चीज़ें होती हैं, वही खाना बनना होता है, वही सब चीज़ें होती हैं। तो इस बार मैं डिटेल में कुछ नहीं शेयर करूँगी, मैं शेयर करूँगी आपके साथ अपनी दो रेसिपी, अपनी लस्सी की रेसिपी। सबको वो लस्सी बड़ी पसंद आई तो कहा थोड़ा डिटेल में बताओ, तो चलिए थोड़ी डिटेल में बना लेते हैं। एंड ऑफकोर्स अपनी चना दाल चाट की रेसिपी, और मिलाऊँगी अपने स्पेशल वन से। तो मेरे स्पेशल वन से आज मिलने के लिए चलिए चलते हैं किचन में और कर लेते हैं इफ्तार की तैयारी, और अपनी दो क्यूट सी टेस्टी सी डिलीशियस सी रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। तो आ जाइए फिर जल्दी से तैयारी कर लेते हैं और जल्दी से शुरू करते हैं ये आगे का ब्लॉग। ओके गाइस, तो चना दाल चाट बनाने के लिए सबसे पहले मैं दाल को बॉयल कर लेती हूँ, और फिर उसमें चॉप की हुई एक मीडियम साइज़ की प्याज और दो हरी मिर्चें डाल देती हूँ बारीक कटी हुई। फिर इसमें बेसिक स्पाइसेस ऐड करती हूँ, गरम मसाला थोड़ा सा, क्योंकि हम ज़्यादा चटपटी नहीं बनाते, अम्मी को स्पाइसेस अलाउड नहीं है और हमें भी नहीं खाने चाहिए। और फिर मैं इसमें ऐड करती हूँ रेड चिली पाउडर, और फिर उसके साथ थोड़ा सा चाट मसाला एंड अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर इसका जो टेस्ट है वो वाइब्रेंट करता है। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
नमक, क्योंकि नमक से ही तो हमारा कोई भी स्पाइस इन्हेंस होता है। और फिर लास्ट में एक नींबू का रस डाल देती हूँ और बस मेरी दाल तैयार हो जाती है। मैं इसे बिल्कुल फ्राई नहीं करती क्योंकि ये एक हेल्दी स्नैक्स है, तो प्लीज़ इसे ज़रा भी फ्राई ना करें। कुछ यार ऐसा भी खाओ जो ऑयल फ्री हो, ज़ीरो ऑयल हो। तो यही है मेरी स्पेशल वन, मेरी अम्मी। टडा। तो यहाँ पकौड़ियाँ बन रही हैं और अभी मैं दिखाती हूँ कि आज ये पकौड़ियाँ कौन बना रहा है। अम्मी किचन में आके कैसा लग रहा है? आज अम्मी ऑलमोस्ट रमज़ानों में फ़र्स्ट टाइम किचन में आई हैं, क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब थी तो ये किचन में नहीं आ रही थी। पर आज कहने लगी कि पकौड़ियाँ मैं बनाऊँगी। सारी तैयारी कर दी थी, अब ये फ्राई कर रही हैं और माशाल्लाह अच्छी पकौड़ियाँ बना रही हैं, अच्छी फ्राई कर रही हैं। ये मिर्च की बना दी है इन्होंने, आलू की बना रही हैं, प्याज की बनाएंगी और फिर हम इसे खाएंगे, अम्मी के हाथ की पकौड़ियाँ। ओके जी। अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, वीकनेस है अभी भी काफ़ी, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा थोड़ा काम करना ज़रूरी है क्योंकि शुगर है, तो बिल्कुल बैठना भी ठीक नहीं है। डॉक्टर ने खुद कहा है कि इनसे काम लो जितना लिया जा सके, तो हमने सोचा आज से इनसे काम लेंगे हम। तो गाइस, लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सर जार में लगभग 200 ग्राम दही ले लेती हूँ मैं। ये दही मैंने फेंट ली थी पहले, तो इसलिए थोड़ा पतला सा है। आप 200 ग्राम दही ले लीजिए एंड दही के बाद हम इसमें डालेंगे दूध, ऐड करेंगे जितनी लस्सी लिए अप्रोक्स इतना दूध होना ही चाहिए। ओके, एंड देन दूध डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑफकोर्स हमारा मेन इंग्रेडिएंट रू अफ़ज़ा। और जैसा मैं पहले कह चुकी हूँ, इसमें आपको बहुत ज़्यादा रू अफ़ज़ा नहीं ऐड करना है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में। एंड देन शुगर ऐड करेंगे, आप कोई भी शुगर ऐड कर सकते हैं, चीनी ऐड कर सकते हैं, अगर डाइट को फॉलो कर रहे हैं तो चीनी की जगह शहद ले सकते हैं। और पापा मुझसे कहने लगे रू अफ़ज़ा कम लग रहा है तो और डाल, तो मैं थोड़ा सा और डाल दिया। तो इसी तरह से आप ये लस्सी बना सकते हैं। एंड इसमें फिर बाद में आइस क्यूब डाल के भी मैं मिक्सर जार में इसको चला लेती हूँ और बस इसी तरह से ये लस्सी तैयार हो जाती है। कोई ज़्यादा बड़ा माइलस्टोन नहीं है, आप भी बनाएं बहुत ही। तो गाइस, मेरी लस्सी बनाने का तरीका तो आपने देख लिया है, अब उसे सर्व करना भी। वैसे तो कैसे भी सर्व कर लो, पर अब जब इतनी स्पेशल लस्सी बन रही है तो थोड़ा सा स्पेशल तरीके से सर्व करते हैं। मुझे ना कॉकटेल मॉकटेल इन्हें सर्व करना बहुत अच्छा लगता है। बस जल्दी से मेरा कैफे खुल जाए फिर इंशाल्लाह। और यह है चिया सीड जो मैं भिगो के रख देती हूँ, आधे घंटे भी आप अगर भिगो के रखेंगे तो ये अच्छे से हो जाएंगे। सबसे पहले बॉटम में हम इन्हें डालते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं फ्रेशनेस के लिए। और फिर अब हम डालेंगे हमारी ये सी, और जब आप इसे मिक्सर में बनाते हैं तो ये प्यारे प्यारा फॉर्म भी आ जाता है। तो गाइस, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे स्पेशल वन से मिलके कैसा लगा वो भी बताइएगा। और साथ में एलजाई से अगेन दुआओं में याद रखिएगा, सबको दुआएं दीजिएगा। मौत का मंजर चल रहा है गाइस, दुआएं सबसे अच्छी हैं, सबको दुआएं दीजिए। किसी के लिए अगर दिल में कोई रंजिश है, कोई भी हसद है, उसे निकाल दीजिए। इस वक्त ऐसा नहीं है कि आप रंजिश या हसद पालें। इस वक्त तो जिनसे लड़ाई है, झगड़े हैं, बेहतर है कि उनसे भी मेल मिलाप कर लें, माफ़ी मांगें, माफ़ी दे दें। क्योंकि मेरी अम्मी का कहना है, वो इंसान मुकम्मल नहीं है जिसे माफ़ करना नहीं आता और जिसे माफ़ी मांगना नहीं आता। और जिसे ये दोनों काम आते हैं, समझिए वो भी मुकम्मल है और उसका ईमान भी मुकम्मल है। तो इस महीने में अपना ईमान मुकम्मल कीजिए, अपने आप को मुकम्मल कीजिए, और जिससे भी आपकी कोई भी गलतफहमियाँ लड़ाइयाँ हैं उन्हें मना दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड विद टियाज़ वर्ल्ड। अल्लाह हाफिज़।